عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سهرة يا رسول الله سهرة يا رسول الله हमारा या रसूल अल्लाह है हिंद में कोई हमारा या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह मदद को आ गए कभी पुकारा या रसूल अल्लाह मदद को आ गए कभी पुकारा या As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah Jahan raza ka ghulam hoga wahan durood o salam hoga Jahan raza ka ghulam hoga wahan durood ईरान मस्जिद को भी आबाद करने वाले लोग बता रहे थे ये मस्जिद भी कितनी खुश हो रही होगी आप लोग माशाल्लाह इस मस्जिद को आबाद कर रहे हैं और दुआएं दे रही होगी आपको सबको जितने भी यहाँ तशरीफ फरमा है सबको बहुत दुआएं मिल रही है माशाल्लाह अल्लाह हू अकबर तशरीफ लाए थे और मौलाना आजाद मुबशर भाई के घर पर आज जैसे जुमा था जुमे में भी वहाँ खिताब हुआ नमाज तो पढ़नी थी जुमे की फकीर को लेकिन जब ये हजरात तशरीफ लाए तो मैं खुद जाता था ये आप हजरात की तैयार हो जाए हाँ मैं जाता था ये बनारस में भी जो ड्यूटी हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी जो ड्यूटी लगाई है कि जगह जगह जाओ जिक्र करो जिक्र करो जिक्र करो फिक्र मत करो फिक्र नहीं करो फिक्र नहीं करना है सुनने फिक्र नहीं करता सुनने फिक्र नहीं करता सुन्नी जिक्र करता आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के मज़ार पर हम गए और हमने सलाम पेश करा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी अवा अलैकुम अस्सलाम या वलदी सुभान अल्लाह
अफवाहों पर अमल पे गए। हमने अपने दादा इमाम अहले सुन्नत सुन्नियों के पेशवा इसके बाद साहब इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम या जद्दी अवालाई वालेकुम अस्सलाम या वलदी। कितनी अच्छी बात अली का हुजूर आला हजरत आप जिंदा है, आप जिंदा है मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। बोले हम क्यों नहीं जिंदा, हम जिंदा है अल्लाह के बड़े फजल करम से, हमारे आका जिंदा है, उन्होंने हम पर करम फरमाया है और हम इन्हें कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा जिंदा है वो अपने बुजुर्गों की याद करती है, जिक्र करती है, मुकाम भी जिंदा, हम भी जिंदा है, हमारी हमारे सुन्नी भी जिंदा है, हमारे औलिया इकराम भी जिंदा है, औसी आजम भी जिंदा है, सरकार दौलत भी जिंदा है, कौन है के बादशाह भी जिंदा है, सब जिंदा है, हम भी जिंदा है, अल्लाह का एहसान करम है, जिंदा जिंदा लोगों में बात होती है, जिंदा जिंदा में बात होती है, लेन देन जिंदा जिंदा में होता है, जो जिंदा है वही बात करता है, वही बात करता है जिंदा। सरकार फरमा दे कौन है इनकी इज्जत, मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस में आया अस्माउल सलामा अहले मोहब्बती, हम अहले मोहब्बत का दुरूद व सलाम सुन रहे हैं। हमारा हर कलम उठाया
देखा फरमाया हुजूर इस हदीस ने तर्जुमा कर दिया आला हजरत ने और तर्जुमा क्या किया है हुजूर दूर से भी सुनते करीब से भी सुनते आप फरमाते दूर नजदीक के सुनने सरकार के करीब वालों को भी सुन रहे हैं दूर वालों को भी सुन रहे हैं और यहाँ से आप बनारस से पुकार रहे हैं तो वो भी सुन रहे फैजान मदीना की भी आवाज सुनते हैं अल्लाह का बड़ा फजल हुजूर से मोहब्बत की दर से दिया गया तो मदरसे तो वो भी बनाते ना मदरसे उधर भी बनाते मदरसे तो वो लोग भी बनाते और बनाते एक बंद दो बंद ये कौन एक बंद दो बंद अब सीधी राजा दिखा आवाज आई क्या सीधी रास्ता जगह है क्या सीधी रास्ता दिखा और है कहाँ का तर्जमा एक बंद दो बंद क्या कहता है सीधी रास्ता दिखा आंखें खोल ले बने शरीर का सुरबा लगा ले तो दीदार हो जाएगा एक बंद दो बंद ये क्या वो भी मदरसा बना दस भी है हदीस भी है तफसीर भी है नहज भी है फर्ज भी है सब कुछ है वो भी मदरसा बनाते दो पद में भी दारुलूम है बरेली शरीफ में भी मदरसा है जामिया नूर अलाबिया शहर का सबसे बड़ा मदरसा है अल्लाह का बड़ा फजल व करम है उसमें भी आपको मौका दिया जाएगा कि आप तशरीफ लाओ और आला हजरत का फायदा आपको मिल जाए तो जामिया नूर अलाबिया में भी तालीम दी जाती दो पद में भी तालीम दी जाती फर्क क्या है क्या फर्क तलबा तो ये ना पढ़ाई तो वहां पे भी होती पढ़ाई इधर भी होती है फर्क क्या है फर्क क्या है क्या फर्क है हदीस उधर भी है कुरान में है तर्जमा भी है नहज भी है शर्त भी है सारी पढ़ाई वहां हो रही है बड़ा दारुलूम बना हुआ है वहां पे भी तालीम है बरेली शरीफ में भी जंग नूरिया में तालीम हो रही है आला हजरत की भी तालीम हो रही है फर्क क्या है वहां पे सिर्फ इल्म है यहाँ इल्म भी है इसके मुस्तफा भी सुभान अल्लाह अगर इल्म इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत अल्लाह अकबर बहुत अच्छा बच्चा है इसे एक आदमी ने नारा लगाया तो सब लगाते हैं नारा एक नारा लगाता तो सब आप इसके इसके खाते में सब लिखा जा रहा है वो सब लगा रहे ना नारा तो इसने लगाया था एक ने लेकिन सब ने कहा या रसूलल्लाह तो इसके खाते में सारा लिखा जा रहा एक आदमी आवाज सुनिए एक आदमी आवाज दिखा रहे तो कितना काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितने बच्चे माशाल्लाह मुस्कुरा रहे इनकी बात समझ में आई समझ में आई ये वहां पर इश्क नहीं अल्लाह का दिन यार है इश्क मुस्तफा रोज सुनूं नरे खुदा यार है इश्क मुस्तफा रोज सुनूं नरे खुदा जिसको हजार दिखता मजा ना दबा फिर के गली गली तला फिर के गली गली तला फिर के गली गली तला धोकर सब की खाए क्यों दिल को रो अखंड दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों आराम कितना मुस्कुरा रही है अच्छे पढ़ना माशाल्लाह सवाल का कलाम याद कर रखा है माशाल्लाह आप हजरात भी बहुत अच्छे हैं जिन जो लोग पढ़ा रहे हैं ये भी अच्छे हैं और जिन लोगों ने मुझे बुला लिया वो भी बहुत अच्छे हैं आला बहुत खुश हो रहे होंगे कि मतलब तुम आज बिस्तर में घुसते सो रहे होते
लेकिन तुम्हें बिस्तर छोड़ करके यहाँ पे जिक्र में कर कहते होंगे वाकई तो मेरा बेटा है, वाकई बेटा है, हमारा खून बहता है, जो ड्यूटी हमने तेरे लिए जिक्र की लगाई थी तो जिक्र कर लो। हाँ मस्जिद आला हजरत, मस्जिद आला हजरत, फ़ज़ाने रज़ा जारी रहेगा, फ़ज़ाने रज़ा जारी रहेगा, मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, नवाज़े आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह का ऐसा अनुग्रह है। एक ट्रेन जा रही है बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ, एक ट्रेन जा रही है बरेली शरीफ से बम्बई, उस ट्रेन का नाम क्या है? आला हजरत। ट्रेन का नाम है आला हजरत। ट्रेन जा रही है अजमेर शरीफ, टर्मिनल जा रही है बम्बई, ट्रेन में डिब्बे हैं, डिब्बे लगे हुए हैं, उसमें अशफी बैठा है, बरकाती बैठा है, पादरी बैठा है, चिश्ती बैठा है, रजवी बैठा है, डोरी बैठा है, अजहरी बैठा है, बंदानी बैठा है, जो भी बैठा है, आला हजरत सबको प्रतिष्ठित कर लेगा। ट्रेन में डिब्बे है, डिब्बे में सब बैठे, सबको ले जा रहे हैं आला हजरत मंदिर की तरफ, और ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का इंजन का तार, आला हजरत आला हजरत आला हजरत, इसको कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत। अल्लाह हू अकबर। अब ट्रेन की गुजर रही है आला हजरत आला हजरत आला हजरत, मुरादाबाद से जा रही है, गाजियाबाद से जा रही है, दिल्ली से जा रही है, अजमेर से जा रही है, जयपुर से निकल रही है आला हजरत आला हजरत, वहाबियत के सीने पर आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ये दो लाइनों पर आला हजरत, ये मसल के आला हजरत है, मसल के आला हजरत। एक हबीस पैदा हो गया जो गुस्ताखी करता है मसीह में राबजी, सुन्नियों में कोई इतना कमी ना पैदा नहीं हुआ, जो राबजी में पैदा हुआ वो मसीह में राबजी है, मसीह में राबजी जो पैदा हुआ। तो मैं मसीह में राबजी को दावत देता हूँ कि जो बहुत बक बक करता है हुजूर की शान में, कभी आला हजरत ट्रेन के सामने तो खड़ा होकर दिखा दे, आला हजरत ट्रेन के सामने बक बक करता हुजूर से, और आला हजरत उनको बुला रहे हैं, जरा पे ट्रेन खड़ी चलती है तो उसके सामने जरा खड़ा होकर दिखा दे, तो मसीह में राबजी में इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रेन के सामने खड़ा हो सके, तो वो मसीह में राबजी में कहां हिम्मत है कि आला हजरत वालों में आ सके। मसीह में राबजी जो है ये इसका एक पता लग गया कि मुर्दा कहने लगा कि सीएम कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी, सुनी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, लिहाजा आग लगा दो, आग लगा दो। इसने बता दिया कि जहन्नम के जन्नत के लिए तैयार है, कि हुजूर के बहुत बड़ी ताकत हो और हुकूमत का मामला है कि हुजूर ने इसके मुंह से करवा दिया कि मैं जहन्नम में जाने को तैयार हूँ, क्योंकि जो हुजूर से लड़ाई लड़ेगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी, किसे जन्नत मिलेगी? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब भागी दूर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब भागी दूर, हम रसूलुल्लाह, बस ये कहो हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। तो इतना रिश्ता बस, एक मिसरा अल्लाह का अगर आपने याद कर लिया तो हुजूर का रब फरमाएंगे, और जब हुजूर की मोहब्बत में जो भी मुस्कुराएगा, जो हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराएगा सीधा जन्नत में जाए। अल्लाह, यह है इस्लाम, जो हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुरा के जन्नत में जाए। हुजूर से सिर्फ इतनी सी मोहब्बत करिए कि हम रसूलुल्लाह की जन्नत, हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की, बस इतना सा याद कर लीजिए। और एक
एक जो है जिसे आला हजरत ने बहुत पसंद फरमाया, कहा मुसलमान कैसा होने चाहिए, तुम्हें जाना उन्हें माना नहीं है और किसी हुकूमत से डरना नहीं है। हुकूमत से डरना नहीं, हमें क्या आप कौन बोले हम अहमद रजा खान इनका चटार है, सुन्नियों का फायदा है और मदीने की शान है, सुन्नियों की शान है अहमद रजा खान है, और तुम मन्नान रजा खान को यहाँ आओ, हमें क्या क्या करें, और ये अहमद रजा तेरे पीछे खड़ा है,
अहमद रजा तेरे पीछे पड़ा है, उसके पीछे गौसुर भरा है, उसके पीछे अलीपुर चुका है, उसके पीछे मोहम्मद मुस्तफा है। ऐसा नानी तू भी मायूस खड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लाहौर पर गवर्नरों को फैजाने आला हजरत जारी रहेगा, फैजाने आला हजरत जारी रहेगा, नूर मन्नानी मियां जिंदाबाद जिंदाबाद। हां तो ये 27 जुलाई 1995 को ये वाकया हुआ। बीबीसी लंदन वाले भी डर गए, खौफ में आगे गए। अजीब से मामला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आता है तो उसमें भी लाहौर पढ़ने वाले मौजूद है। ये बरेली शरीफ की शान है। इकलनी दोनी चवन्नी ये जाते इकलनी दोनी चवन्नी छोटे 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 हमारा तो बहुत बड़ा मैदान मदीना बहुत बड़ा है। ये छोटे 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 जेते इकन्नी दोन्नी चवन्नी ये सब बिकते रहे। बरेली नहीं बिका। बरेली में क्या हुआ? गिरवा के राव मस्जिद आया था जब बरेली चूबो रदा की चौखट खाहिश उसके दिल की और आगा खड़े जो देखे लाहौर पहुंचने वाले अब है बरेली 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 वाले बरेली वाले हम है बरेली वाले डरते नहीं किसी से लाहौर को कहने वाले डरते नहीं किसी से पीछे नहीं हटेंगे सदा है हम रजा के पीछे नहीं हटेंगे तेरे सवाल का हम डट कर जवाब देंगे जो सूरमा है तेरा उसको अभी बुला ले हम है बरेली वाले 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 आशिक रजा के कब है बातिल से जबने वाले आशिक रजा के कब है बातिल से जबने वाले हम है बरेली 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 वाले बरेली वाले बरेली वाले हम तो बरेली वाला मामला जानते हो किसने कहा थे बरेली वाला कौन होगा बरेली वाला तो फैज अल्लाह का बड़ा फजल करम है। कचौदे शरीफ में चादर चढ़ रही है तो कोई कचौच भी नहीं कर रहा सब बरेल भी कर रहा। अजमेर शरीफ में चादर चढ़ रही है फूल चढ़ रहे हैं कोई ये नहीं कह रहा ये अजमेरी है ये कलकत्ते से ये बनारस से आया तो कहते बरेल भी है। बल्कि सरकार के हजारे अनवार पर जब ले जाओ और जाके दुरूदो सलाम पढ़ो तो वो कहता है सुरता कि बरेली यानी हुजूर ने कैसा नवाजा कैसा नवाजा कि हुजूर के कब्र के अंदर में चले जाओ तो हुजूर के मजार पर जाने वाला सलात और सलाम पढ़ने वाला कोई ये नहीं कहता कि इंडिया से आया पाकिस्तान से दुबई से हिंदुस्तान से इंग्लैंड से बल्कि सलाम पढ़ना वो बरेली है बरेली ये है बरेली इसको कहते हैं हम है बरेली हमारे आला हजरत जिंदाबाद हमारे आला हजरत जिंदाबाद हमारे आला हजरत जिंदाबाद सारे आला हजरत जिंदाबाद हमारे आला हजरत जिंदाबाद दुश्मन से ना डरेंगे हम हैं बरेली वाले दुश्मन से ना डरेंगे हम हैं
ना डरेंगे, हम हैं भरे वाले। दुश्मन से ना डरेंगे, हम हैं भरे वाले। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत बस्ती करिया बस्ती करिया करिया दूर मन्नानी साहब किबला जिंदाबाद। माशाल्लाह, जिसका निकाह इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अहमद रज़ा बरेलवी ने पढ़ाया, हमारे वालिद माजिद हुजूर दीदारे मियां यहाँ बिठाया, और मुफ्ती आजम की बड़ी शहजादी सरकार बेगम को यहाँ बिठाया, और बिठाने के बाद निकाह पढ़ाया। और हामिद मुस्तफ़ा उज्जतला मौलाना हामिद रज़ा बरेलवी जो हमारे दादा थे, और मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रज़ा नूरी बरेलवी जो हमारे नाना थे, दोनों बेटों को बुलाया, कहा मैं अहमद रज़ा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, मैं इनका निकाह पढ़ाता हूँ, मैं इनका वली हूँ कि नहीं हूँ? सबने कहा हुजूर वली हूँ, निकाह हम पढ़ाते हैं। हम सुभान उस निकाह की बरकत हमारे वालिद माजिद के पास शहजादे हुए, रेहाने मिल्लत, तनवीरी मिल्लत, ताजु शरिया और कमरे मिल्लत चार चले गए, एक आपके सामने खिदमत कर रहा है। आप इसको कह सकते हैं मन्नानी, इसको कह सकते हैं आला हज़रत की निशानी, आप कह सकते हैं मुफ़ज़्ज़ल आज़म की निशानी, आप कहते हैं मुफ़्ती आज़म की निशानी, या ताजुश शरिया के निशानी, कुछ भी कह सकते हैं। ताजुश शरिया बड़े भाई, इसमें कोई फर्क तो है नहीं, सगे बड़े भाई, हमारे माँ बाप एक है, बड़े भाई है ताजुश शरिया। अब ताजुश शरिया बड़ा भाई है, बाप के सामने बेटा मन्नानी रो रहा है, तो कह रहे हैं इधर आ ताजुश शरिया, मन्नानी को गोद में लेके घुमा ताजुश शरिया, घुमा ताजुश शरिया। ताजुश शरिया लेके गए सरकार मुफ्ती आजम के बारगाह करम में, उन्होंने गोद में लिया कि लाओ मेरा नवासा, मैं गोद में लूंगा। बाप मुफ्ती आजम लाओ मेरा बेटा है, मैं इसे गोद में लूंगा, अल्लाह का बड़ा फजल करम। अगर ताजुश शरिया पढ़ाते नहीं तो हम आपके सामने आते, वो हमारा बड़ा भाई है, इसमें क्या बुराई? इस अच्छी बात है कि हमारा बड़ा भाई है ताजुश शरिया, और हमारे अलावा कोई उन्हें भाई भी नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं हमारा भाई ताजुश शरिया। तो मुख ताजुश शरिया जो गोद में खिलाए, अपने सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह करम ले जाए, और कहेंगे हमने पढ़ाया, उन्होंने नाना की करामत वाली नजर देखे कि सब चले जाएंगे, इनकी खिदमत के लिए एक अकबर नाने रह जाएंगे, लिहाजा इनको खिलाफत देना है, तो लाओ खिलाफत नामा। ताजु शरिया नाम लिखते मोहम्मद मन्नान रज़ा मन्नानी इब्ने मुफ़स्सिर आज़म जिलानी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म दस्तखत करते कि हमने खिलाफत दी, देने वाला खिलाफत मुफ्ती आज़म है और दिलाने वाला ताजु शरिया। अल्लाह का एहसान करम है, हमारा भाई ताजुश शरिया, हमारा भाई। हालांकि हमें बहुत कुछ बातें हैं कि हम मुफ़स्सिर आज़म के आलम साहब के पोते हैं, मुफ्ती आजम के नवाज हैं, आला हजरत के पोते, इतनी बरकतें हासिल होते हुए फिर भी हम अपने बड़े भाई का नाम लेते हैं मोहब्बत से। क्यों क्यों? 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 हमारे उस्ताद भी तो है, फिर हमने गोद में भी तो खिलाया है, प्यार भी तो किया है। तो ये है मन्नानी का मामला ताजुश शरिया से। अब पानी में आप डंडा मारे जोर से, डर से डंडा मारे, ये पानी अलग हो जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसे ऐसे इधर उधर हो जाएगा, फिर मिल जाएगा। नुकसान समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएगा। अंजम भी हमारा भतीजा है, सुबानी भी हमारा भतीजा, हमारे भाई के लड़के हैं, कोई किसी को बढ़ाए बढ़ाने दो, लेकिन आप ये कह सकते हैं हमने ऐसे मन्नानी को मैं देखा जो जिसका निकाह उसके वालिद वाजिद का निकाह आला हजरत पाया, वो आला हजरत की जो निशानी है वही तो मन्नानी है।
जो चाची सरिया का बड़ा छोटा भाई है, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, आप भी कह सकते हैं अजद मियां काजी मिल्लत, ये वो हमारा भतीजा है, सुभान मियां वो हमारे भतीजे हैं। इसी तरह इसीलिए आला हजरत हमसे काम लिया कि राम को भगाओ तो तुम भगाओ, लाहौर पढ़ो तो तुम पढ़ो, दुबई जाओ तो तुम, अफ्रीका जाओ तो तुम, अमेरिका जाओ तो तुम, हॉलैंड जाओ तो तुम, इंग्लैंड जाओ तो तुम, जर्मन जाओ तो तुम, लंदन जाओ तो तुम, ब्रिटेन जाओ तो तुम, बेलबर्न जाओ तो तुम, बोल्टन जाओ तो तुम जाओ पाकिस्तान, तुम जाओ अफगानिस्तान, आलम इस्लाम के नफरत आलम का काम करो, लोगों से कहो जो भी दुश्मन है अहमद रजा का चल रहा है हमेशा चलेगा, नफरत आलम हजरत का नारा लग रहा है अल्लाह का ऐसा नो करो कि माशाल्लाह हमारी आंखें खुली है, आंखें खुली है, कान भी सुनता है, जुबान भी बोलती है, ये है बंदा, ये है बंदा जो फैजान मदीना यहाँ ही नहीं बम्बई के फैजान मदीना में गया, यही नहीं बम्बई के भी फैजान मदीना में गया, और वो इंग्लैंड में ब्रेंटफोर्ड के फैजान मदीना में भी गया, आंखें तो खुली है, तो खुली है तो देख रहे हैं, देख रहे हैं जिंदा है, जावे हम इंग्लैंड के दौरे में गए, अब तो हम एक दो साल से क्या लॉकडाउन लग गया कि जाना बंद हो गया, लिहाजा बनारस में आप लोग की ज्यारत हो गई, वरना तो कभी इंग्लैंड में की हॉलैंड में थी, इधर में तो उधर है तो उधर से इधर आने नहीं देते, अब इधर आ गए आपकी ज्यारत कर इंग्लैंड गए तो वहाँ पर देखा इतने लोग दाऊद इस्लामी, इतना बड़ा इदारा इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड में, अल्लाह का ऐसा न कर्म है, मैंने मेरी एक आदत में भी है कि जब मैं कहीं किसी मदरसे में जाता हूँ तो उनका नाम ले लेता हूँ, मैंने कहा यहाँ ब्रेडफोर्ड में कितने लोग दीन मदीन की खिदमत में लगे, उन्होंने चार पांच आदमी का नाम लिखा, मान जहन में आया, मान एकदम जहन में आया कि जिसके फैजान मदीना के ब्रेडफोर्ड में मनाने तुम आए हो, इन सबको आला हजरत की खिलाफत दे रहे हो, क्यों नहीं ऐसा करते कि हजरत मौलाना इलियास कादरी दावत इस्लामी के जबानी है उनको भी खिलाफत दे दो, मुर्शिदियत तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदियत तार पर नूर की बरसात हो, हिंद हो या रात हो नूर की बरसात हो, अल्लाह अकबर हमारा दिन बड़ा है, देख लिया हम लोगों ने हमारा बड़ा है दिन, हम ना सुन्नी दावत इस्लाम से घबराते, ना दावत इस्लाम दावत घबराते, ना किसी बरकाते से घबराते, ना किसी अशर्फी से घबराते, बल्कि हम तो आला हजरत का खून जमा रहा है, तो आला हजरत तो कहते जितना सुन्नी सब जन्नत में जाएगा, मैं नानी तू घबराता क्यों, सबसे प्यार करो, क्यों घबराता इसका अलग करो, उसको अलग करो, वो फायदा नहीं, ये काम नहीं करता, वो मुबल्लिग नहीं, वो ये है वो है, वीडियो की बुनियाद पर किसी को कह दो कि आप वैसे इमामत रहे हैं, आप फासी का फाने, ये सब क्या बात है, हमारा खुद वीडियो बन रहा है, बन रहा है तमाम घरों में सीसीटीवी लगा है, वीडियो फैलाना ही होगा, हमने पूछा, हमने सिर्फ पूछा अपने एक बड़े आलिम दीन जामे नूरिया रोबिया के मुफ्ती साहब से, शहीद आलम साहब से पूछा कि ये वीडियो का मामला क्या दादू शरिया के सामने भैया है, दादू शरिया के मामले सामने आया कि नहीं आया, बोले हाँ हुजूर दादू शरिया से पूछा गया था कि शेखुल इस्लाम और मुस्लिम हुजूर मदनी मियां साहब जो वीडियो कराते हैं, जैसे भैया वाले वीडियो कराते हैं, इन पर क्या हुक्म लगाओगे, क्या ये सब भी जैसे इमाम नहीं रहे, मौलिन है, सरकार दादू शरिया ने फरमाया कि मदनी मियां का जो मकाम उनके साथ है, उन्हें ऐसी बात नहीं कि हम उन्हें मौलिन कहेंगे, ये ताजी सजिया ने नहीं फरमाया, आजकल ऐसी मामला चल रहा है, ये कहां ताजी सजिया फरमाया, हमने खिलाफत दी,
हजरत इलियास कादरी साहब को कहां दी? रेडफोर्ड में। तब दी 14-15 दे के आए सरकार ताजी सरिया जिंदा थे उनका सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम। तो ताजी सरिया ने तो कार में नहीं कहा कि तुमने गड़बड़ करके आए हमने तुम्हें खिलाफत मुख्तारों से दिलवाई थी तो दुनिया भर में बातें फिर रहे हो हमने दी हजरत इसको दे दी उसको दे दी उसको दे दी। साधु सरिया ने नहीं कहा और हम भी मस्जिद पे बैठे स्टेज पर मेंबर रसूल पर और तमाम तलबा के सामने हमसे तो कहा नहीं और कहा हो तो लाओ ये आडियो ये वीडियो हमें सुनाओ हम साधु सरिया की कोई बात तो सुनिए हमसे नहीं कहा तुमसे कहा हो तो तुम अपने बात बढ़ाते रहो। आज अल्लाह का एहसान और करम है आज अल्लाह का एहसान और करम है सब हमारे बच्चे हैं वो कायदे मिल्लत है तो बड़ा है तो जिना वो हमारी गोदी में खेले हुए हमारे बच्चे हैं हम चाहते जरिया की गोदी में खेले हुए अल्लाह का बंदा आला है उनके बच्चे तो हमारे अंदर तंगदस्ती तंग नहीं है दिल तंग नहीं है किसको छोड़ो उसको छोड़ो किसी सुन्नी को नहीं छोड़े किसी सुन्नी को नहीं छोड़ेंगे आबाद की दुनिया पर नहीं छोड़ा जाएगा अगर छोड़ा जाएगा अखंड की दुनिया पर छोड़ा जाएगा अगर उसका कीदा खराब है तो उसे छोड़ा जाएगा लेकिन अगर अगर खराब है तो नहीं छोड़ा जाएगा से प्यार है अल्लाह सुन्नी आलिमों से प्यार है अल्लाह दो जाने अपना बेड़ा पार है अल्लाह दो जाने अपना बेड़ा पार माशाल्लाह सब आदमी में सब प्यार करो हुजूर की हदीस भी है अल मरो मा मन अहबा जो जिससे मोहब्बत करेगा वो साथ रहेगा दिल को छोटा नहीं करो छोटा नहीं करो आला हजरत आला हजरत इतने बड़े आला हजरत मसला क्या आला हजरत और फला तर्जमान नहीं है फला उस पर चलता नहीं है जी क्या मसला बना रखा है मन नानी बनो मन नानी हाँ कहोगे खून तो आला का ये भी तो है वो तो ये भी है जो कहता है बरकाती जन्नत में जाएगा अशरफी जन्नत में जाएगा अचानी जन्नत में जाएगा सरदार जन्नत में जाएगा सीरिया खादी जन्नत में जाएगा ताकि गोली जन्नत में जाएगा जो भी सुननी सब जन्नत में जाएगा छोटा दिल कर देते हो और मन्नानी आपके साथ में अशरफिया भी जाएगा अभी चार या पांच तारीख हम लोग ये कह रहे थे हम बस में भी जाते हैं हमने कहा पठान को बस में कर लीजिए चलेगी आपके साथ ये दो माना है बस इनकी बस थी हमने कहा बस में जगह कर लेना बोले बस में आप आगे बढ़ना हमने कहा पठान को तो बस में कर दो पठान तीन और बस में कर लिया अल्लाह का एहसान और करम है माशाल्लाह यारा मैं इनके इस इकदाम से और आप हजरात के मुस्कुराने से इतना खुश हुआ माशाल्लाह ऐसा है कि हम भी अल्लाह की नेमत है पता नहीं आए ना आए अब अच्छी खासी उम्र हो गई है तो एक नेमत हमारे पास जो है वो हमें आला हजरत ने हुक्म करवाया सरकार मुस्तियालम ने ताजु सरिया ने कि वो नेमत बांटते रहो चलाते रहो जिन्नत का काम करते रहो तो नाजिमे जामिया मदीना हजरत मौलाना वासिद रजा साहब और हजरत मौलाना आजाद रजा मिसबाही साहब हजरत मौलाना हसनैन मुकर्रम साहब हजरत मौलाना इमरान रजा साहब हजरत मौलाना कारी अब्दुल कादिर साहब इन हजरात को सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया रजविया बरेली शरीफ की खिलाफत और इजाजत इन अमन ईमान की शर्त के साथ बन्नाने पेश करता है अल्लाह ताला कबूल फरमा ले अल्लाहु अकबर बन्नानी साहब क़िबला
अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह ये मोहब्बत ये प्यार कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा है ये प्यार कहाँ मिलेगा ये ऐसे प्यार करने वाले कहाँ मिलेंगे ये अल्लाह का एहसान हर भव्य बच्चे अच्छे घर में थे यहाँ से ये मिल गए अल्लाह का एहसान। और ये भी सुन लो कि आला हजरत ने हक जिसका है उसको देने के लिए यहाँ मुझे भेजा क्योंकि आपको कितना अच्छे तरीके से तरबियत दे रहे हैं कितने अच्छे विराट मस्जिद को आबाद कर रहे हैं अल्लाह ताला इन्हें आबाद उसाद फरमाए माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल। कल इंशाल्लाह ताला हम प्रतापगढ़ जा रहे हैं अल्लाह ताला वो भी प्रोग्राम हमारा अच्छा हो और हमारा अंजाम भी अच्छा हो आप भी अच्छे रहे खुश रहे माशाल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।